मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महागुरु जी, हमारे महागुरु जी नरसिंह रिवाल सर जी का, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमन, जो आप मुझे आज सुन रहे हैं या आज मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स का, जिनकी वजह से आज मेरे जैसे साधारण लोग आज कुछ छोटे मोटे बड़े सपने देख पाने के काबिल हो पाए हैं। ये थे तो आज मैं इस लेवल पर आज पहुंच पाया हूं, कुछ सपने देख पा रहा हूं, और ये है तो मैं भविष्य के और भी बड़े सपने देख पाने के अपने आप को योग्य समझता हूं। तो सबसे पहले लोगों को मैं नहीं जानता जो बोलते हैं कि करियर बना देते हैं, पर हाँ ये वो पांच लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं छोटे मोटे जो भी सपने पूरे कर पाया हूं, आज ये वो पांच लोग हैं, मेरे लिए तो ये भगवान समान है। तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना अच्छा मौका हम जैसे साधारण लोगों के लिए सृजित किया, बनाया, ताकि हम जैसे लोग अपने सपनों को देख सकें और उनमें आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय महागुरु जी लोगों को, संजय जैन सर जी, नरसिंह रिवाल सर जी, जिनके पद चिन्हों को हम केवल देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पीछे इतनी लंबे पद चिन्ह छोड़ के रखे हैं जिनको हम जैसे साधारण लोग केवल फॉलो कर करके आज आगे बढ़ जा रहे हैं और डायमंड लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे करंट अप्लायंस को, अरे करंट लीडर्स को, मेरे लीडर्स जो हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरी अच्छाइयों को आगे बढ़ने में मदद किया, मेरी कमियों को नजरअंदाज करके धीरे से उन कमियों को भी अच्छाई में बदल देने में उन्होंने सहयोग किया, मुझे मार्गदर्शन किया, मेरा हाथ पकड़कर इस लेवल तक लेकर आए मेरे आदरणीय सीनियर्स हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बीसी पाठक सर जी हैं, डायमंड लीडर, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर हैं, वीनस लीडर अतुल पाठक सर जी हैं, मरकरी लीडर अमित पाठक सर जी, मरकरी लीडर प्रकाश वर्मा सर जी, मरकरी लीडर श्री राकेश जायसवाल सर जी, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये थे, ये हैं, तो आज मैं हूं और ये रहेंगे, तो मैं भविष्य में और भी बड़ा काम करता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच साथियों सब। आप मुझे कुछ लोग मेरी टीम से तो जानते हैं, बाकी जो साथी मुझे नहीं जानते मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि मेरा नाम लोकेश देवांगन है। बेसिकली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ की ही पैदाइश है रायपुर की, और अभी मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, तो रायपुर की पैदाइश है और रायपुर ही मेरी कर्मभूमि रही है। मैं बेसिकली एकदम साधारण परिवार में पैदा हुआ, बचपन मेरा थोड़ा आर्थिक तंगी में गुजरा, लेकिन जब आर्थिक तंगी में गुजरा, हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी हुआ करती थी जब हम छोटे थे, ज्वाइंट फैमिली थे और कमाने वाली केवल इकलौती मेरी मम्मी थी, तो जब ऐसे ज्वाइंट फैमिली में थे तो हमें पता चल गया था बचपन से कि एक एक रुपये का भी क्या महत्व होता है, एक एक रुपये के लिए भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि आज शाम को कौन सी सब्जी खाएं, एक रुपये में कौन सी सब्जी आएगी हम वही खा लेते हैं, तो एक एक रुपये के लिए भी सोचना पड़ता था। तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था, तो बचपन से एक चीज जरूर सिखाया गया, पैसे का महत्व, कि पैसे सही ढंग से कमाने हैं, थोड़े ज्यादा मात्रा में कमाने हैं और इसे बचा कर रखने हैं। तो पढ़ाई में होशियार होने के बाद भी जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैं बीकॉम पढ़ा, मैं एलएलबी किया, जबकि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल नवोदय विद्यालय से पढ़ा जहां पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही पढ़ा करते हैं, उसके बाद भी मैं नौकरी के लिए प्रयास एक बार भी कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से एक चीज सिखा दिया गया था कि थोड़े ज्यादा पैसे कमाने हैं, थोड़े ज्यादा सपने देखने, थोड़े बड़े सपने देखने हैं। तो मैं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं था हीरो बनने का, एक्टर बनने का कोई गुण नहीं था, मैं बेहद दुबला पतला था और दिखने में भी साधारण दिखता था, आज भी साधारण ही दिखता हूं, लेकिन जब अंदर से इच्छा हुई कि मुझे अब कुछ बड़ा करना है तो मैं हीरो बनने की इच्छा हुई, तो अपने आप के अंदर मैंने पूरी तरीके से चेंज किया और मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों का एक बहुत अच्छा हीरो बन गया और 12 साल तक मैंने हीरो का रूप में काम किया। यहाँ पे मैंने उड़िया फिल्में भी की, मैंने भोजपुरी एल्बम भी किया, छत्तीसगढ़ में तो ढेर सारे एल्बम किया, उड़िया एल्बम भी किया, मैं बॉम्बे में रहकर सावधान इंडिया जैसे ढेर सारे हिंदी सीरियल में भी मैंने काम किया। आप में से ढेर सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो YouTube पे लोकेश देवांगन सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो जो भी नजर आएगा वो मैं ही हूं। तो मैंने 12 साल काम किया, 12 साल काम करता रहा, ढेर सारे फिल्मों में मैं एज अ हीरो, ढेर सारे एल्बम्स में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म रघुवीर और ये उड़िया फिल्म है माँ खोजे ममता, बहुत सारी फिल्में, मितान 420, बहुत सारी कई फिल्मों के तो मुझे नाम भी अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो ढेर सारा काम किया 12 साल, और ये 12 साल जब मैं काम कर रहा था तो शुरुआती 5-6-7-8 साल हवा की तरह निकल गए, क्योंकि मजा बहुत आता था, रोज सुबह गए शूटिंग पे, गए बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहने और पूरा हीरोगिरी दिखाना है, मजा बहुत आता था।
बहुत मजा आता था, लेकिन शुरू के 7-8 साल पैसे भी अच्छे कमाए, लेकिन उसके बाद एक चीज एहसास होने लगा, आज पैसे अच्छे कमा रहा हूं, आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छा मेरा शरीर है, अच्छे बाल हैं, आज मैं एक्टिंग कर पा रहा हूं, अच्छा पैसा कमा रहा हूं, भविष्य में कमाऊंगा क्या गारंटी है, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी मेरी उम्र होगी, कभी ना कभी मेरा शरीर हो सकता है साथ ना दे, तब क्या होगा, लेकिन यही सोच रहा था कि आगे कुछ किया जाए। इसी बीच में मैं बॉम्बे भी गया, बॉम्बे में काम किया, लेकिन बॉम्बे में रहने के बाद एक चीज समझ में आया कि जितने भी एक्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं वो साइड बाय साइड कुछ करते हैं, ठीक, साइड बाय साइड कुछ करते हैं। यही सोचकर मैं वापस रायपुर आया और रायपुर आकर मैं एक हॉस्टल का बिजनेस शुरू करना चाहता था ताकि एक्टिंग करता रहूं, साथ एक हॉस्टल का भी बिजनेस चले जो परमानेंट पैसिव इनकम के रूप में रहे, कि पैसिव इनकम की लगातार उससे पैसा आता रहे, मैं ज्यादा एक्टिव ना रहूं तो भी। लेकिन जब मैं रायपुर आया तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड हैं, उन फ्रेंड के माध्यम से मुझे एक दिन, मतलब इसके बाय लक ही कहेंगे कि मैं बॉम्बे से आया था, वो मेरे घर आए और उन्होंने पूछा कि यार रायपुर में हो, मैंने कहा हूं, और मेरे घर आए और बाय लक मुझे एक दिन सेफ शॉप का जानने का मौका मिला। पहले दिन बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, पर मेरे ग्रेट सीनियर ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर जी आए थे, उन्होंने मुझे डिटेल में बिजनेस समझाया और ये समझाया कि इस बिजनेस को करके सिक्योरिटी, जो कि आप एक्टिंग फील्ड में महसूस नहीं कर पा रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन इस बिजनेस में सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप एक समय के बाद बहुत ज्यादा काम ना भी कर पाए या दुनिया पे ना भी रहें तो भी ये बिजनेस आपके और आपके परिवार को हमेशा सहयोग करता रहेगा। ये मुझे बेहद अच्छा लगा और मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। सेफ शॉप मिला, आप देख सकते हैं बीच में मेरे सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर हैं और बाकी मेरी टीम है। तो सेफ शॉप का मौका मिला, शुरुआती लेवल पर तकलीफें कठिनाइयां मुझे भी आई, पर एक चीज था कि जो भी करना है दिल से करना है, मेहनत से करना है। मैंने करना शुरू किया क्योंकि एक चीज मुझे बचपन से सिखाया गया था, जो भी करो उसमें पूरी जान लगा दो, आधे अधूरे मन से कुछ मत करो। तो अगर मैं एक्टर था तो उसमें भी मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट हीरो में से एक था, ठीक। उसके बाद जब मैंने सेफ शॉप करना शुरू किया तो इस पे भी मैंने पूरी तरीके से जान लगाया कि करना है तो पूरी मेहनत करना है, और मेहनत करता गया, सीनियर्स का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा, प्यारी प्यारी टीम आती गई और उनके साथ काम करके बड़े बड़े सपने पूरे शुरू हुए। अभी तो हालांकि इतने बड़े बड़े महागुरु जी लोग हमारे इस पैनल पे हैं तो उनके सपनों के सामने मेरे सपने तो बेहद छोटे हैं या बहुत अभी नजर ना आने वाले सपने, पर मेरी नजरों में वो सपने पूरे होने लगे जिन सपनों को मैं पहले कभी देखा करता था। इस बिजनेस के माध्यम से मुझे फैमिली के साथ अच्छी अच्छी जगह घूमने का मौका मिला, राजस्थान गया, ठीक, नैनीताल गया, ठीक, गोवा गया, बहुत सारी जगह पे गया, थाईलैंड देश में एक्टिंग के माध्यम से कभी विदेश घूमने का मौका नहीं मिला था, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट हुआ और अगले हफ्ते भर के भीतर मैं थाईलैंड देश बैंकॉक पटाया क्वालिफाई कर चुका था, वो भी जाने का मौका मिला फैमिली के साथ। कभी भी पहले फ्लाइट का सफर नहीं किया था, ठीक है पैसे थे लेकिन सोच नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लगातार पैसे भी आते गए, सोच भी बनी और फ्लाइट के साथ लगातार कई बार सफर हो चुका है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने पहली कार, मैं एक्टर था तो मेरे पास केवल एक छोटी कार थी वैगन आर, लेकिन इस बिजनेस में पार्टिसिपेट होते ही सबसे पहले मैंने अपना एक सपना पूरा किया, टारगेट था उस समय, टारगेट को अचीव करके मैंने अपने लिए i20 कार खरीदा, फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया और फिर मैंने टाटा हैरियर का टॉप मॉडल खरीदा। और दिल से धमाकेदार धन्यवाद इसलिए सेफ शॉप को कि कोरोना पीरियड में जहां बाकी लोग शायद पैसे के लिए सोच रहे थे कि कैसे पैसे कमाएं, और कोरोना पीरियड की इनकम से मैंने टाटा हैरियर खरीदा, तो इसलिए सेफ शॉप और सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से कुछ समय पहले मैं घर में रहा, जब मैं एक्टर था तो अपनी मम्मी के घर में रहा करता था और अपने हम लोग 3 फ्लोर के घर में रहा करते थे और हमने सबने अपने लिए एक फ्लोर रख लिया था, सोच बड़ी नहीं थी, लेकिन सेफ शॉप में आया और सेफ शॉप में आने के बाद सोच बड़ी होनी शुरू हुई और मैंने आज अपने लिए एक बेहतरीन सुंदर सी कॉलोनी में, आप कॉलोनी का फोटो देख सकते हैं रायपुर में, वहां पे मैंने अपने लिए छोटा सा सुंदर सा घर बनाया है जहां पे सारी सुख सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं ग्रीनरी इतनी जबरदस्त है, मुझे खुद रहने पे लगता है कि मैं बेहतरीन कॉलोनी पे रह रहा हूँ, रिसोर्ट जैसी कॉलोनी पे रह रहा हूँ, जैसे फिल्मों में देखा करता था कि बाथरूम ऐसे हुआ करते हैं, मैंने अपने लिए भी घर वैसे ही बनाने का प्रयास किया, ठीक, जो फिल्मों में देखा करता था जहां मैं शूटिंग करता था वैसे घर मेरे पास नहीं थे, लेकिन सपने देखा करता था वैसे ही घर मैंने बनाने का, अपने अपने हिसाब से मैंने वैसा बनाने का प्रयास किया और इन घर में आज मैं रहकर एक अच्छी जिंदगी बिताने का प्रयास कर रहा हूं। ये सारा कुछ हुआ है सेफ शॉप के माध्यम से।
तो सेफ शॉप को तो जितना दिल से धन्यवाद दूं उतना ही कम है। आज मेरे छोटे छोटे सपने पूरे हुए और उम्मीद है कि जैसे जैसे मेरा लेवल आगे बढ़ता जाएगा मैं और भी बड़े सपने पूरा करता जाऊंगा। तो थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू सीनियर्स, थैंक यू मेरे लीडर्स। साथियों, सेफ शॉप इतनी अच्छी कंपनी है जिसके बारे में आज आगे बताने वाला हूं, पर पहले सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। सेफ शॉप के पास इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जितना भी चर्चा करें वो शायद थोड़ा कम ही है। और सेफ शॉप के इतने सारे प्रोडक्ट्स, अगर उनके हर एक प्रोडक्ट्स की खूबियां बताने लगूं तो शायद शाम हो जाए, अभी सुबह शाम हो जाए। लेकिन एक प्रोडक्ट जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं क्योंकि वो प्रोडक्ट डेली यूज में आ जाता है। डेली यूज मतलब घर घर में कभी ना कभी वो डेली यूज में आ ही जाता है। और वो प्रोडक्ट है, सिंपल सा प्रोडक्ट है, कफ सिरप, खांसी की दवा। हर एक व्यक्ति को ये आए दिन कभी ना कभी होता रहता है क्योंकि मौसम है, फिर अभी सर्दी का मौसम आया तो आया मौसम कफ सिरप का। ठीक, तो कफ सिरप का मौसम आ गया है और ये आम बीमारी है, आम बीमारी हर घर में किसी ना किसी को महीने में दो महीने में एक बार होता ही रहता है। तो ये खांसी की दवा, और खांसी की दवा से मार्केट में मिले चाहे सेफ शॉप में मिले, हमें उससे उम्मीदें क्या रहती हैं, आवश्यकता क्या रहती है कि खांसी जल्दी ठीक करें, खांसी को ठीक करें, ये दो हमारी इच्छाएं होती हैं। उससे हमारी आवश्यकता होती है कि खांसी के सिरप से जल्दी ठीक हो जाए और खांसी ठीक तो हो ही जाए। और आवश्यकता क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है और वो है कि सुस्ती ना आए, नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम जब कफ सिरप लेते हैं तो सुस्ती आने शुरू होती है और नींद आने शुरू होती है। पर साथियों, मैं आज एक कंपेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। ये आप देख सकते हैं ग्रीलिंटस सिरप है। आप ये कोरोना पीरियड में, क्योंकि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं यहाँ ढेर सारे डॉक्टर्स रहते हैं, तो जिस ग्रुप में, सोसाइटी का ग्रुप है, उसमें हर डॉक्टर ये डाला करता था कि आप कोरोना में ग्रीलिंटस नाम की दवाई है, कफ सिरप में सबसे बेस्ट कफ सिरप है, ये वो डाला करते थे। आइए हम इसी से तुलना करते हैं, जिसको बड़े बड़े एमडीज अगर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसी से अब चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीलिंटस, जिसका एमआरपी है आप देख सकते हैं 126 रुपया। चूंकि ये ऑनलाइन मिल रहा है, सामान्य मेडिकल में तो 126 है तो 126 में मिलेगा, पर ये ऑनलाइन है तो शायद 8% डिस्काउंट में 116 रुपए में मिल रहा है, पर इसका एमआरपी है 126 रुपए। अब इसमें है क्या क्या चीज, इसका फॉर्मूला क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनारमाइन, ठीक, मिलेट एंड गुआफिनेंसिन, पता नहीं बहुत सारे, एमोनियम क्लोराइड सिरप। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लोरोफेनारमाइन जो भी है, इसको पीने से सुस्ती आती है, और ये केवल केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। अच्छी दवा है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स लिख रहे हैं तो अच्छी दवा होगी। लेकिन अब इसे मैं कंपेयर करता हूं हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट से, और वो हमारा सेफ शॉप का प्रोडक्ट है कफ केयर सिरप, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट। मैं ये गारंटी देता हूं कि ये ग्रीलिंटस है, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं कंपेयर कर रहा हूं सेफ शॉप के प्रोडक्ट के साथ। आइए देखते हैं सेफ शॉप का प्रोडक्ट है। मजेदार बात है, अगर आप ग्रीलिंटस चेक करेंगे, इसका बेसिक चेक करेंगे, इसमें कैरामेल मिला होता है, अधिकतर शुगर वाले में कैरामेल मिला होता है। कैरामेल क्या होता है, जब शुगर को थोड़ा सा जलाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, जलने वाली स्मेल आती है, जो कि खाने में अच्छा लगता है। जितने भी चॉकलेट्स वगैरह होता है उसमें कैरामेल मिला होता है, तो जब हम ये जो कफ सिरप पीते हैं उसमें भी कैरामेल मिला होता है, जिसको पीने में एक हल्का सा ना मिठास का एहसास होता है। तो अधिकतर कफ सिरप में शुगर मिला होता है, जिसे आपके घर में भी कोई कफ सिरप होगा उसमें देखेंगे कैरामेल लिखा होगा। सेफ शॉप के में शुगर फ्री, टोटल शुगर फ्री आयुर्वेदिक सिरप। और आयुर्वेदिक कैसा है, इसका फॉर्मूला मैं पढ़कर बताता हूं, जो आपके सामने नजर आ रहा होगा वो क्या है, हरड़ है, सोमलता है, वंशा है, आक है, यष्टी मधु है, जिंजर है, तुलसी है, सौंफ है, कंटाकारी है, भारंगी है, पुष्कर मूल है, पिपली है, काली मिर्च है। ये सारी चीजें हमारे घर में या अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं किसी न किसी आयुर्वेदिक जो दुकानें होती हैं वहां पे मिला करती हैं। और इसका केवल फ्लेवर बेस के रूप में मिंट, जिसको हम पुदीना बोलते हैं, ये मिंट फ्लेवर ऐड किया गया है ताकि इसमें शुगर ऐड ना करना पड़े, क्योंकि बाकी का फ्लेवर करना पड़ेगा तो उसमें कैरामेल मिलाना पड़ेगा शुगर। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। अधिकतर लोग जिनको डायबिटीज है उनको पता ही नहीं है कि जो सामान्य कफ सिरप पी रहे हैं उसमें शुगर मिला हुआ है। और मजेदार बात है, सेफ शॉप के कफ सिरप में कुछ भी नहीं मिला है शुगर, तो ये हर कोई पी सकता है। मेरी छोटी सी बच्ची 6 साल की, 6 साल के बाद के बच्चों को भी पिलाया जा सकता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और मैं अपनी बेटी को पिलाता हूं। मजेदार बात है, ग्रीलिंटस
ग्रिलेंटस को अगर सामान्य खांसी है तो 5 ढक्कन या 5 बार पीने पर जो आराम मिलता है वो खुशी की बात है कि कफ केयर सिरप जो सेफ शॉप का है केवल 1 ढक्कन पीने पर आराम मिल जाता है। मेरे यहाँ काम वाली बाई आती है, वो बीच में आती थी तो खांसी खांस रही होती थी तो मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि यार आती है घर में खाना ना बनाती खांस रही, तो मेरी मम्मी उसे 1 ढक्कन दे देती थी कि ये लो 1 ढक्कन कफ सिरप हमारे यहाँ सेफ शॉप का पी लो। पहले दिन पी, अगले 2 घंटों से खांसी नहीं आया, अगले दिन फिर आई, फिर बोलती है कि 1 ढक्कन और दे दो, फिर उसको पी ली, तीसरे दिन फिर आई बोलती 1 ढक्कन और दे दो, मम्मी बोलती है अब 1 ढक्कन मत ले सीधा बॉटल खरीद ले। तो इस तरीके से घर वाले भी आसानी से सेल कर लेते हैं क्योंकि घर वाले भी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये समझने लगे हैं। और मेरी मम्मी तो एटलीस्ट आसानी से कोई भी सामान यूज नहीं करती, लेकिन अब अगर खांसी का सिरप चाहिए होगा तो केवल सेफ शॉप का ही कप सिरप यूज करती हैं। और एक कंपेयर करना चाहूंगा, अभी आपने देखा ग्रिलेंटस 100 ml 126 रुपया, चलो 26 को हटाते 125 मानते हैं, तो 400 ml आएगा 500 रुपए में। कितने रुपए में आएगा? 500 रुपए में 400 ml। मजेदार बात है, खुशी की बात है, हमारा ये जो कप सिरप है ये भी 400 ml है सेफ शॉप का, लेकिन हमें कितना मिलता है? MRP है 474, पर हमें सेफ शॉप में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं उन्हें मिलता है केवल 275 रुपए में, मतलब मार्केट से आधी कीमत पर, 50% कीमत पर, और रिजल्ट 5 गुना ज्यादा। इससे अच्छा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है भला? अब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हर घर में अगर कभी भी खांसी आए, हर घर आपके पहचान वाले जितने भी लोग हैं वहां अगर कभी भी किसी को खांसी आती है तो एक ही सिरप इस्तेमाल होना चाहिए और वो है कफ केयर सिरप सेफ शॉप का बेहतरीन प्रोडक्ट। साथियों इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं तो यूज करता ही हूं और मुझे 100% उम्मीद है कि आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, पर अब केवल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, अपने आस पड़ोस के हर किसी को इस्तेमाल करने में इसे सहयोग कराना है ताकि सब के सब, ये खांसी है तो छोटी बीमारी लेकिन जब होती है तो अगले 4 दिन 5 दिन हम इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, ये ना हो। तो थैंक यू सेफ शॉप जो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हम सबके लिए लाए हैं, आयुर्वेदिक शुगर फ्री और बेहतरीन प्रोडक्ट, तो थैंक यू सो मच। साथियों ये एक छोटी सी बात है कि सेफ शॉप इतना अच्छा क्यों है, बेहतरीन क्यों है, एक छोटा सा कारण बताया, आगे मैं बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में या दुनिया में जितने भी लोग आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो कौन लोग हैं? बड़े सपने पूरे कर रहे हैं वो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और बड़े सपने आप देख सकते हैं हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोस में जो लोग भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं, वो बड़े सपने जिंदगी जी रहे हैं। और बड़े सपने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? पैसे से। क्योंकि अगर आज मुझे ये घर खरीदना था तो पैसा चाहिए था, टाटा हैरियर खरीदना था तो पैसा चाहिए था, आज हमारे ढेर सारे सीनियर के पास ऑडी मर्सिडीज वगैरह हैं तो उन्हें खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आज दुनिया में जो कुछ भी खरीदा जा सकता है वो केवल पैसे से ही खरीदा जा सकता है। तो पैसा सबसे पहले आवश्यक चीज है। पुराने जमाने में कहते थे कि पैसे की आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन आज हम जिस समाज में जिस परिस्थिति में रहते हैं वहां दुनिया में सबसे कीमती कोई है तो वो है पैसा। तो पैसे से बड़े सपनों की शुरुआत होती है, कोई भी हम सपना पूरा करना चाहते हैं उसकी शुरुआत पैसे से होती है। अब अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि पैसे कितने तरीके से कमाए जाते हैं? 100% इस पैनल पर बैठे सभी को पता है, फिर भी मैं एक बेसिक बता देता हूं। पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं, नौकरी, एम्प्लॉय कैटेगरी, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस या इन्वेस्टर, जिसको हम ESBI कहते हैं। और आप सभी को पता है कि दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं और केवल 5% लोग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। और एक मजेदार या दुख की बात है, एक अजीब सा ये फिगर है कि 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का केवल 20% पैसा होता है और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 80% पैसा होता है। तो अगर हमें भी अगर भगवान पूछे कि कौन से कैटेगरी माना चाहते हो, तो 100% आप और हम उस 5% की कैटेगरी माना चाहेंगे जहां पर 80% पैसा है, क्योंकि वही लोग एक्चुअल में वही लोग हैं जो दुनिया में राज कर रहे हैं या बड़े सपने देख रहे हैं या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो अब दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने का या बड़े सपनों को पूरा करने का क्या विकल्प बचा? केवल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना ही विकल्प बना, एक ही विकल्प बचा है जो हम अपनी जिंदगी में अच्छी जी सकते हैं। अब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना मतलब करोड़ों रुपए पैसे चाहिए होंगे जिसे आप इन्वेस्ट कर करके उससे पैसे कमा सकते हैं। अब अगर करोड़ों रुपए उतने होते तो हम और आप यहां क्यों बैठे होते हैं? ठीक, तो अगर हमारे पास इन्वेस्टर बनने के लिए अभी ऑलरेडी 5, 10, 15 करोड़ नहीं है तब क्या किया जा सकता है? तो हो सकता है बिजनेसमैन बन जाए। अब बिजनेसमैन के लिए किसी बहुत बड़े राइटर ने कहा है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो करोड़ों रुपए लगाओ,
करोड़ों रुपए लगाओ और एक एक हजार लोगों को, 1,000 लोगों को अपने साथ नौकरी पे रख लो, करोड़ रुपए लगाओ और 1,000 लोगों को अपने साथ नौकरी पे रख लो और जब वो उनके साथ काम करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑटोमेटिक आपका सेट हो गया होगा। तो करोड़ रुपए लगाओ और 1,000 से ज्यादा लोगों को अपने साथ नौकरी पर रख लो, पहला ये तरीका कि करोड़ रुपए लगाओ और 1,000 से ज्यादा लोगों को अपने साथ नौकरी पर रख लो। ये तरीका हमारे लिए शायद उतना एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, एक एक करके लोगों को अपने साथ काम करने के लिए राजी करते जाओ। जिस समय आपके साथ हजारों लोग काम करने को तैयार हो गए होंगे और कर रहे होंगे, आपका खुद ही एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो चुका होगा। तो दूसरा तरीका बेहतरीन तरीका है आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए। तो ये तरीका क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एक ही विकल्प है हमारे पास, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जो बोल रहा हूं वो तो ठीक है, आइए कुछ पेपर कटिंग्स देखते हैं कि मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, बढ़ रही है पुरुषों की भूमिका। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक, ये पुराने पेपर्स की कटिंग है, 159 अरब रुपए होगा, लगभग 160 अरब रुपए तक होगा। ठीक, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक लगभग 2 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग का क्षेत्र। विद्यालयों में, स्कूल्स में जल्दी ही डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू होगी। ये सब पुराने कटिंग से, अभी तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, इवन 12th क्लास अगर कोई कॉमर्स लेके भी कर रहा है तो वहां डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर ऐड कर दिया गया है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डिप्लोमा भी शुरू हो गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग जबरदस्त हो गया है। अब अगर इतना ही जबरदस्त हो गया है तो और बहुत अच्छा काम है, तो अब ये डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी अच्छी, हमें कैसे पता चले, क्योंकि ढेर सारी कंपनीज है मार्केट में, इकलौती कहीं कोई कंपनी तो है नहीं, ढेर सारी कंपनीज हैं। तो कोई एक कंपनी अच्छी है ये कैसे पता चले, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि वो कंपनी कैसी है और उस कंपनी, उस जो पॉइंट्स हैं उस पे सेफ शॉप कैसे खरा उतरता है। आइए मैं उन सब्जेक्ट पर बात करता हूं, उन टॉपिक्स पर बात करता हूं और केवल 9 पॉइंट्स की बात करूंगा। एक्चुअल में सेफ शॉप तो इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कंपनी है, अगर इसके लिए मैं अगले 9 दिन भी बात करूं ना तो वो कम पड़ जाएगा, इतने सारे पॉइंट्स हैं। मेरे जैसे साधारण आदमी की जिंदगी बदल दी, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लेकिन इनके बेसिक पॉइंट्स में केवल 9 पॉइंट्स की चर्चा करने वाला हूं। आइए उन 9 पॉइंट्स की मैं चर्चा करता हूं आप लोगों से। पहला है ग्रेट विजनरी डायरेक्टर, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, बेस्ट फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर श्री रजत वर्मा सर जी का, श्री राजपाल अरोरा सर जी का, श्री हरीश सोंधी सर जी का, श्री राजू आनंद सर जी का, श्री सिद्धार्थ सहगल सर जी का। अब ये डायरेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी का मेन बागडोर किसके ऊपर होता है, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। जैसे एक फिल्म, मैं फिल्म लाइन से बिलोंग करता हूं, फिल्म कैसी बनेगी वो एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्टर कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, लेकिन फिल्म कैसी बनेगी वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उस डायरेक्टर के ऊपर, डिपेंड करता है कि डायरेक्टर फिल्म को कैसे बना रहा है। वही एक स्क्रिप्ट होगी, उसी स्क्रिप्ट को एक दूसरा डायरेक्टर शायद उतना अच्छा ना बनाए, पर एक दो अच्छा डायरेक्टर होगा उसी स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी फिल्म बना सकता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना या बेकार बनाना उसके डायरेक्टर के हाथ में होता है। और सेफ शॉप आज इसलिए बेहतरीन कंपनी है, इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इनके डायरेक्टर्स ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स और बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि डायरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा अच्छे होने, क्योंकि हम जिस नाव पर बैठे हैं हमें सबसे पहले ये तय करना है कि वो नाव कौन चला रहा है। अगर एक अच्छा मल्लाह चला रहा होगा जिसे नाव अच्छा चलाना आता है तो 100% वो हमारे मंजिल पे पहुंचा देगा, नदी क्रॉस करा देगा। लेकिन वो मल्लाह अगर अच्छा नाव चलाने वाला नहीं है तब हो सकता है नदी के बीच मझधार में हमको डुबो भी दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाव कौन चला रहा है। जैसे नाव चलाने वाले तो ढेर सारे लोग रहे होंगे, ढेर सारे लोग हैं और रहे होंगे, लेकिन वास्को डी गामा ने ढेर सारी जगहों की खोज की, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ठीक, इस तरह से कोलंबस ने इंडिया की खोज की। तो इस तरह से ढेर सारे लोगों ने खोज की, क्यों खोज की, क्योंकि वो नाव कौन चला रहा था, वास्को डी गामा चला रहा था। जैसे रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी, उनके मेन नाविक कौन थे या मल्लाह कौन थे, वो थे धीरू भाई अंबानी। तो आज धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी, टाटा के रतन टाटा इतने बड़े कंपनी को डेवलप कर दिए, क्योंकि डायरेक्टर कौन है ये इंपॉर्टेंट है, बिड़ला ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी, ठीक, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दो को हम देखकर 100% समझ सकते हैं। जब बंटवारा हुआ तो दो नाव में बढ़ गया, एक जो कंपनी है वो दो नाव में बढ़ गया, एक नाव के मालिक हुए या एक नाव के नाविक हुए मुकेश अंबानी और एक नाव के नाविक हुए अनिल अंबानी।
अब दो डायरेक्टर्स हो गए अलग अलग, दो नाविक हो गए अलग अलग। मजेदार बात है, एक नाविक ने अपने नाव को इतना तेजी से आगे बढ़ाया कि वो आज इंडिया के सबसे अमीर में से एक है, ठीक है, वर्ल्ड के भी अमीरों में से एक गिने जाते हैं, मुकेश अंबानी। लेकिन दूसरे नाविक ने क्या किया, थोड़े दिन तो नाव को अच्छे चलाया, फिर उनका ध्यान भटक गया और भटक कर नाव को ही डुबा दिए। ये सब आप जानते हैं कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पे रहे हैं, उनके कई कर्जों को तो मुकेश अंबानी ने चुकाया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि नाव कौन चला रहा है। नाव अगर अच्छा चला रहा है कोई व्यक्ति, अच्छा आपके नाविक है, तो आपको मंजिल पर पहुंचा देंगे। और हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे विजनरी डायरेक्टर्स का, जो गजब के डायरेक्टर हैं, जिनकी वजह से आज इंडिया की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को जितना धन्यवाद करें उतना कम है। क्यों, फिर से बार बार बोल रहा हूं, नाविक क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कई लोगों को जानते होंगे जो गलत नाविक रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजों को भी खराब कर देते हैं, तो फिर से धन्यवाद। दूसरा है प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज, सेफ शॉप इसलिए भी सबसे बेस्ट कंपनी क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की भरमार है। कहा जाता है, आप लोगों ने ढेर सारी बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स में कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाएगी जहां पर डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग तरह के ना प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि जहां भी जाए। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जहां भी जाए, जिसके पास भी बैठे, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीद ले। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को कहा जाता है कि जिसके पास भी हम बैठे कुछ ना कुछ सेल करके ही उठना है। अब हमारे पास सेफ शॉप के पास इतनी रेंज है कि हमें जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ सेल करने में उतनी दिक्कत नहीं आती है। और मजेदार बात है, सेफ शॉप में गुड मॉर्निंग से, अगर अभी सुबह सुबह मैं उठा, ब्रश किससे किया, सेफ शॉप के टूथपेस्ट से, ठीक है। तो सुबह से उठकर अगर सुबह सुबह मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया तो किसका लगाया, सेफ शॉप का लगाया। तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का, रात को सोते समय भी नाइट क्रीम लगाकर सो रहे हैं, सोचिए। तो भृंगराज का हेयर ऑयल लगाकर सो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बहुत ही इजी बनाता है दूसरों की तुलना में। हमारा बिजनेस क्यों या सेफ शॉप क्यों बेस्ट है, क्योंकि हमारा बिजनेस इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हैं, जहां भी जाते हैं हम सामान सेल कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब विविधता वाली, आपके बिजनेस में विविधता वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, केवल कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। हमारे पास गर्व की बात है, फैशन के प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं जो सूट पहना हूं कितना बढ़िया फैशनेबल लग रहा है, मेरे घर वालों को भी बेहद पसंद है, इवन मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे दोस्तों को भी ये सूट बेहद पसंद है। कहां से है, सेफ शॉप का, सेफ शॉप का। तो फैशनेबल, तो फैशन के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर अभी सुबह सुबह मैं मीटिंग ले रहा हूं तो मॉर्निंग क्रीम लगाकर बैठा हुआ हूं और यहाँ पे बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, किचन के प्रोडक्ट्स हैं। सुबह सुबह अगर मैंने चाय पिया तो चाय पत्ती भी सेफ शॉप का है, ठीक। एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन हैं, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, आध्यात्म के प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ के प्रोडक्ट है। सुबह सुबह उठा मैं और नोनी पिया हूं, आज मेरी एनर्जी का राज क्या है तो नोनी है, तो सुबह सुबह उठकर मैंने नोनी पी लिया, ठीक। तो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे हमारे पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमारा बिजनेस इजी हो जाता है और हमें नंबर वन बनाता है। हर उम्र के लिए प्रोडक्ट्स है, हर उम्र के लिए, बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, हग्स एंड कडल्स का बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, थोड़े और बड़े हुए उनके लिए टॉकिंग कैड है, थोड़े और बड़े हुए उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। और बड़े होते गए भगवत गीता संपूर्ण हनुमान और भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट है, जीन्स है, शूज है, ऐसे हर उम्र के लिए प्रोडक्ट्स हैं। मजेदार बात है, हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट हैं। कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी में ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो केवल अमीर लोग खरीद सकते हैं, कई कंपनी है जो इतने सस्ते और चीप प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि केवल जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं या मध्यम वर्गीय केवल वही लोग खरीदते हैं। लेकिन सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जहां पे हर वर्ग के लिए, जिनके पास थोड़े पैसे कम है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो हर वर्ग के लिए है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है यहाँ पे सस्ते और घटिया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नहीं, सेफ शॉप के जब कोई प्रोडक्ट्स देखता है तो उसे समझ में आ जाता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट्स हैं। मजेदार बात है, कई कंपनीज होती हैं जो कम प्रोडक्ट्स में काम करती हैं, उनके नुकसान बहुत हैं। जैसे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अमेरिका में कंपनी थी, विटामिन सेल करने वाली कंपनी थी, उसके पास दो तक तीन चार प्रोडक्ट्स थे जो उस समय अमेरिका में सुपर हिट हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, सुपर हिट हुआ। अचानक अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक नियम लगाया कि अब खाने या हेल्थ प्रोडक्ट्स में ये एक चीज नहीं होना चाहिए, और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में वो जो था वो जरूर था, वो एलिमेंट था, वो बहुत अनिवार्य रूप से था। अचानक अगले दिन उस कंपनी को अपना सारे प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ा,
क्या हुआ होगा, उस कंपनी के साथ हजारों लाखों लोग काम कर रहे होंगे, उन सब की उम्मीदें सपने टूट गई होंगे, और क्या हुआ, सारे लोग बेरोजगार हो गए होंगे और कंपनी बंद हो गई। तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होने से नुकसान क्या है कि अगर कल को कुछ गड़बड़ी हुई तो आपके कंपनी पे खतरा हो सकता है। प्लास्टिक, कई कंपनी प्लास्टिक के सामान बेच रही, हर घर में जाकर प्लास्टिक के सामान नहीं बेचा जा सकता। कई कंपनियां केवल मैं पहले मोटा था, अब मैं देखो दुबला हो गया हूं, पहले मैं दुबला था अब इसे खा के मोटा हो गया हूं। क्या पूरी दुनिया को हम दुबला और मोटा ही करते रहेंगे? नहीं। तो केवल सिलेक्टेड प्रोडक्ट होने से नुकसान है। कई कंपनी केवल ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है, हर घर में जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं सेल किया जा सकता। कई कंपनी केवल खेती के सामान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करती है। मैं रायपुर में रहता हूं, यहां रायपुर शहर में तो खेती नाम की कोई चीज नहीं है, तो यहां पे खेती का अगर सामान बिकता हो तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होने से आपके जो ग्राहक वर्ग हैं जिनको आप सामान सेल करने वाले हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद सेफ शॉप, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आप हर घर में जाकर कुछ न कुछ सेल कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की। तो सबसे बढ़िया है कि विशाल रेंज हमारे पास प्रोडक्ट्स के। तीसरा है विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स। आप देख सकते हैं हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ टाई अप हैं, और पहला नाम है रिलायंस ओनली विमल। सर 1966 से धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था 1966 में रिलायंस, और ओनली विमल का शुरू हुआ था 1966 में, और आज बताने की जरूरत नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। हर बड़े शहर में कम से कम एक से दो ओनली विमल के शोरूम जरूर है जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक आदित्य बिड़ला ग्रुप ग्रासिम ग्राडो 1857 में सेठ शिव नारायण बिड़ला जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया आदित्य बिड़ला ग्रुप को, 40 देशों में आज इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, जिनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप बड़े बड़े मॉल्स में देखते होंगे, लुइस फिलिप, वैन हुसैन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, ये इनके ढेर सारे ब्रांड है। ग्राडो ग्रासिम जो हमारे साथ पार्टिसिपेट है वो 1994 में इनका उन्होंने स्थापना किया, और आज देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनी में से एक है आदित्य बिड़ला ग्रुप। रेमंड अल्बर्ट रेमंड ने स्पेन के रहने वाले सन 1925 में इन्होंने रेमंड की शुरुआत की, जिसको बाद में इंडिया के लोगों ने टेक ओवर कर लिया। सन 1925 में इसकी शुरुआत हुई, और जिसके बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, आप जिस भी मॉल में जाते होंगे पार्क एवेन्यू, पार्क्स, कलर प्लस, आप वेबसाइट के जरिए भी चेक करेंगे तो ये सब बड़े ब्रांड्स हैं। तो रेमंड का हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हुए, रेमंड के शर्ट्स वगैरह कुछ प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। क्लब बर्गवाइन जो मैं सूट पहना हूं, क्लब बर्गवाइन की आयरलैंड की कंपनी है, सन 1912 मतलब आज से सोचो लगभग आज से 110 साल पहले की कंपनी है। विलियम फ्रेडरिक बर्गवाइन ने इसको शुरुआत किया, और आज वर्ल्ड के सबसे बढ़िया लिनन का कपड़ा बनाने में सबसे बड़ी कंपनी में से एक माना जाता है क्लब बर्गवाइन को। तो ये हमारे साथ पार्टिसिपेट है। हौमा गुड हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली सन 2009 की कंपनी है जो हमारे साथ पार्टिसिपेट की हुई है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हौमा के, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। श्री श्री तत्व श्री श्री रविशंकर महाराज जी की कंपनी है, हमारे गुरुदेव हैं। 2003 में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। 53 देशों में इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, 53 कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। ग्लेरियन है, लाइफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ एसेंशियल पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड है, बड़ी बड़ी कंपनी मिया कासा, ऐसे ढेर सारी कंपनीज हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट हैं। हक्स एंड कडल्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ पार्टिसिपेट हैं। मजेदार बात है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ पार्टिसिपेट हैं, और बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट होने का क्या मतलब है, बड़ी कंपनियां सेफ शॉप पर भरोसा करती हैं। जब रिलायंस को लगा होगा कि भाई अब हमें भी डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी के साथ काम करना है, उन्होंने अपनी टीम निकाली होगी कि भाई जाओ देखो इंडिया में सबसे अच्छी कंपनी कौन है, तो उन्हें कौन सी कंपनी नजर आई होगी, सेफ शॉप। क्योंकि जब लोग रिश्ता करते हैं ना, जब हम लड़की देखने भी जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो हम बराबर वालों के यहाँ जाते हैं, रिश्ते भी बराबर वालों के साथ होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब सोची होंगी कि किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना है, तो उन्हें इंडिया में केवल एक बड़ी कंपनी नजर आई, और वो कंपनी थी सेफ शॉप। और इसीलिए सेफ शॉप आज नंबर वन कंपनी है, किसी और कंपनी के पास इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स नहीं है। ये मैं कुछ वो 9 पॉइंट्स बता रहा हूं जो दावे के साथ बोलता हूं कि सेफ शॉप में ये है, और इसकी वजह से आज इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी है। बेस्ट प्रोडक्ट सेफ शॉप के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको कफ केयर के बारे में बताया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेस्ट है, और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए पहले उसके प्रोडक्ट्स को बेस्ट होना जरूरी है। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है कि लोग अवसर बेचते हैं, 100% हम अवसर बेचते हैं, 100% हम अवसर बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का भी बेस्ट होना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? लोग बिना अवसर के भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए लालायित होना चाहिए। अरे नहीं यार, अवसर मिले मत मिले, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है इसको तो मुझे खरीदना है। अगर ये
स्थिति अगर आपके प्रोडक्ट्स में है तो 100% वो कंपनी तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। और मजेदार बात है, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स वैसे हैं, अगर आज मैं सेफ शॉप में नहीं भी होता तो अगर कोई मुझे ये कफ सिरप ला के दिया होता, मैं अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति से लगातार वो कफ सिरप खरीद रहा होता। मैं बोलता भैया मार्केट का कफ सिरप नहीं चाहिए, मुझे ये कफ सिरप चाहिए। मैं केवल एक एग्जांपल कफ सिरप का दे रहा हूं क्योंकि आज मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नोनी है जिसको अभी सुबह सुबह पीकर बैठा हूं, वो नोनी अगर कहीं से भी कोई भी दिया होता, अगर इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो भी मैं उसे खरीद रहा होता। तो लोग अवसर तो खरीदते हैं लेकिन साथ में प्रोडक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन होने की जरूरत है। रिजल्ट आपका प्रोडक्ट है वो रिजल्ट कन्वर्ट करे। जैसे डाइबा केयर के बारे में एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, सग्गर आंटी जी हैं, उनको डायबिटीज है और सालों से डायबिटीज है, वो ढेर सारी दवाइयां खाती हैं। पर एक दिन जब मुझे पता चला कि उनको डायबिटीज है तो मैंने डाइबा केयर उन्हें प्रोवाइड किया और मजेदार बात है 3 दिन के भीतर उन्होंने रिजल्ट क्या बताया कि लोकेश मेरा गला सूखता था ना वो आजकल सूखना बंद हो गया है। और ऐसे में कईयों को दिया, उन्हीं के एक सगे देवर जी हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं अभिषेक सग्गर, उनके चाचा जी हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं वो, उनको बार बार यूरिन जाने की समस्या थी डायबिटीज की वजह से, रात में अच्छे से सो नहीं पाते थे। लेकिन जब उनको भी मैंने डाइबा केयर दिया 15 दिन के भीतर उनकी ये समस्या दूर हो गई। उन्होंने फोन करके थैंक्स कहा कि लोकेश बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी वजह से मैं अब रात में चैन की नींद सो सकता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स तुरंत रिजल्ट देते हैं। कप सिर्फ एक ढक्कन लेते ही तुरंत हमें आराम देना शुरू करता है, रिजल्ट होना चाहिए। बेस्ट प्राइस, कई कंपनीज होती हैं जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की जो कीमत है उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखे रहती है, बहुत ज्यादा महंगा। और मजेदार बात है सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स सस्ते हैं और मार्केट से सस्ते हैं और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्राइस रेंज कम होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीदे, खरीदने से पहले झिझके ना। प्रोडक्ट सेफ शॉप के ऐसे हैं खरीदने से पहले कोई नहीं झिझकता, उल्टा में बार बार डिमांड आती है कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। पांचवा है ट्रेंड सेटर, एक्स फैक्टर होना चाहिए। एक्स फैक्टर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स में एक्स फैक्टर होना चाहिए, मतलब उसमें पॉपुलर होने के गुण होना चाहिए कि लोग उसे लें और लेकर खुश हो जाएं। हमारे प्रोडक्ट्स में एक्स फैक्टर जो होता है ट्रेंड सेटर जबरदस्त है। सूट लेंथ मैंने जो पहन रखा है इतना बढ़िया है, ये इतना बढ़िया है जिसे मैं पहनकर गर्व महसूस करता हूं। मेरी वाइफ कहती है कि जब आप किसी अच्छी जगह में जाते हो ना ये वाला पहना करो, ये बहुत अच्छा दिखता है। तो ट्रेंड सेटर एक्स फैक्टर होना चाहिए। हमारे कुकर इतना बेहतरीन कुकर स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का जबरदस्त, सूटकेस, टॉकिंग टेट, भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, नोनी, नोनी प्रीमियम, डाइबा केयर, बालपोष, कप सिरप, चारकोल फेस वॉश, हेयर सीरम। मैं कल रात में ही हेयर सीरम लगाया हूं क्योंकि बाल झड़ने की समस्या को हेयर सीरम बहुत तेजी से कम करता है। मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जिनको हेयर सीरम लगाने से उनके नए बाल उगने शुरू हुए हैं। हेयर सीरम गजब का प्रोडक्ट, मेरी एक वाइफ है खुद वो लगाती है हेयर सीरम। जिस ब्यूटी पार्लर में मेरी वाइफ जाती है वो ब्यूटिशियन मेरी वाइफ के छोटे छोटे बाल देख रही, बोलती है आप क्या लगा रही, छोटे छोटे बाल उग रहे हैं, तो बताइए हेयर सीरम। तो वो ब्यूटी पार्लर वाली 3-4 डब्बे मांग रही है। हेयर सीरम एक्स फैक्टर होना चाहिए, ट्रेंड सेटर, लोकप्रिय होने के गुण होने चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में। सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स में वो है भृंगराज हेयर ऑयल, बेबी शैम्पू, मॉइस्चराइजर क्रीम, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि केवल प्रोडक्ट्स खरीद के लोग अवसर ही ना मिले, अवसर के बिना भी लोग प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। हमारे राष्ट्रपति मैडम जी हैं, ठीक है, एमडीएच मसाले के मालिक हैं, ठीक, संजय जैन सर जी, श्री मंत्री हैं रामविलास पासवान सर जी हैं, उनको भगवत गीता देते हुए, ठीक, ढेर सारे आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे लोग, ढेर सारे जयकिशोरी जी हैं, नंदन देवकी नंदन महाराज जी हैं, इनको दिया जा रहा है। और मैं कुछ 2-4 प्रोडक्ट 2-4 फोटो दिखा रहा हूं, ऐसे तो ढेर सारे हैं, ढेर सारे लोग बिना अवसर के भी प्रोडक्ट खरीदे। हमारे प्रोडक्ट्स में उतना दम होना चाहिए और दम की बात है सेफ शॉप इसीलिए सबसे टॉप है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर है। तो थैंक यू, ठीक। और इतना बढ़िया वेयर हाउस मुझे जाने का मौका मिला था आज से कुछ दिन पहले अपने सीनियर्स और कुछ टीम के साथ, गजब का वेयर हाउस, सबसे बड़ा वेयर हाउस हमारा है जहां पे जाने का मौका मिला मुझे। पांचवा है बेस्ट अपडेटेड इनकम प्लान। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है कि आपका इनकम प्लान इतना इजी और इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी भी लेवल तक इनकम आप बांट सको कोई बिना झिझक के, ठीक। इसके अलावा आपका इनकम प्लान इतना इजी होना चाहिए कि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। और मजेदार बात है हमारा इनकम प्लान ऐसा है, इजी है, हर किसी को समझ में आने वाला है और नीचे के नीचे जितने भी लेवल पर चाहें हम वो आसानी से वो कंपनसेशन दे सकते हैं। और मजेदार बात है इतना नीचे के नीचे देने के बाद भी सबसे ज्यादा इनकम देने वाली कंपनी सेफ शॉप है। मैचिंग इनकम, आसान इनकम है, मैचिंग इनकम, लेफ्ट से इतना बीवी का सेल हुआ, राइट से इतना बीवी का सेल हुआ, इतना मैच हुआ, उसको आप मैचिंग से उतने बीवी से उतने रुपए से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए
आपको उतना इनकम आ गया, मैचिंग इनकम। फर्स्ट सेल से 2 लाख रुपए हफ्ता, फर्स्ट सेल अगर होता है उससे 2 लाख रुपए हफ्ता, रीसेल से जब रीपर्चेस होता है रीपर्चेस से भी 2 लाख रुपए हफ्ता, मतलब टोटल 4 लाख रुपए हफ्ता, 16 लाख रुपए महीना और 2,08,00,000 रुपए सालाना। हा, इतनी बड़ी इनकम, बापरे। और मजेदार बात है, ट्रिपल सी का इनकम प्लान, ट्रिपल सी का रैंक इनकम, बड़े बड़े इनकम, रिटेल सेल से इनकम। जैसे मैंने कहा कप सिरप, मैं ढेर सारे सेल करता हूँ, नोनी सेल करता हूँ, रिटेल सेल मतलब 275 में हमको मिला क्या कप सिरप, लेकिन हम उसे 474 मतलब 199 रुपए के फायदे में सेल कर सकते हैं, रिटेल इनकम। और बैलेंस लैप्स नहीं होता, कई कंपनियां बैलेंस लैप्स करने में लगी रहती हैं, सेफ शॉप कंपनी कभी बैलेंस लैप्स नहीं करती। इतना बढ़िया इनकम प्लान है जिसकी वजह से आज हमारा सेफ शॉप नंबर 1 है, क्योंकि आपका इनकम प्लान बेहतरीन होना चाहिए और हमारे सेफ शॉप का इनकम प्लान बेहतरीन है। ट्रिपल सी का फायदा देखें, इतने बड़े बड़े इनकम, इतने बड़े बड़े इनकम केवल कुछ लोग नहीं उठाते, ढेर सारे लोग उठा रहे हैं। हमारे महागुरु जी संजय जैन सर जी का आप लोगों ने सबने देखा है, 60 लाख एक हफ्ते का इनकम था। हमारे महागुरु जी नरसिंह रिवाल सर जी का 1 करोड़, और 2 लाख को तो मैं कई बार भूल जाता हूँ, 1 ही करोड़ बोलता हूँ, जबकि 2,80,626 रुपया ये उनकी एक हफ्ते की इनकम थी। सोचो इतने बड़े बड़े इनकम मिलते हैं ट्रिपल सी की वजह से। 6वां पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, सिक्योरिटी की वजह से, कि भैया आज हीरो हूं, आज एक्टर हूं, आज पैसे कमा रहा हूं, भविष्य में कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, सुरक्षित जीवन चाहिए, ठीक है, आज मैं स्वस्थ हूं, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन बाहर में अगर हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कब तक हमें पैसा आएगा, कितने दिन तक हमें पैसा आएगा। अचानक अगर कल को कुछ हुआ तो भविष्य में मेरे परिवार का क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सेफ शॉप में यही गारंटी है, यहां पर बिजनेस नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, नॉमिनी के नाम पर, कि आप नहीं है भविष्य में तो भगवान न करे आप ना हो, लेकिन अगर आप नहीं है तो भविष्य में ये आईडी है वो आपकी नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी, ये एक नॉमिनी, जिस एक जो आईडी है नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हुआ, उनके नहीं रहने पर भी उनके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा, ऐसी सुरक्षित जीवन जीने के लिए सेफ शॉप से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हालांकि हम दुख के साथ कहते हैं कि हमारे कई लीडर्स आज इस दुनिया पे नहीं है, पर एक गर्व के साथ भी एक भावना निकलती है कि भाई आज वो दुनिया पे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके परिवार की जिम्मेदारी सेफ शॉप ने ली हुई है। इसके लिए करना क्या है, केवल एक अच्छी टीम खड़ी करनी है। एक एग्जाम्पल, आज इसी हफ्ते की इनकम है, ये इसी हफ्ते की इनकम है, सबके पास ये व्हाट्सएप आया होगा, लेट अवधेश यादव सर जी हैं, इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन उनके इस हफ्ते की इनकम है 1,91,322 रुपया। ये है सिक्योरिटी, ये है सुरक्षा, जिसकी वजह से आज मैं सीना ठोक कर और गर्व के साथ सेफ शॉप करता हूं, क्योंकि यही सुरक्षा मुझे भी अपनी फैमिली के लिए चाहिए, मुझे भी अपनी फैमिली के लिए चाहिए, कि भगवान ना करे मैं कभी ना रहूं, पर नहीं भी रहा तो ऐसे सेफ शॉप ने मेरे परिवार की जिम्मेदारी अब उठा लिया, क्योंकि मैंने एक टीम खड़ी की है। तो साथियों, ये सुरक्षित जीवन जीना है तो प्राइवेट जॉब, या अब तो सरकारी नौकरी में भी पेंशन बंद हो गए हैं, वरना प्राइवेट जॉब और दुकानदारी में वो सुरक्षा नहीं है जो सेफ शॉप में है, और किसी भी कंपनी में इतनी सुरक्षा नहीं जितना सेफ शॉप में है, इसलिए सेफ शॉप सबसे बेस्ट है। 7वां पॉइंट है ऐतिहासिक सफलता के 22 साल। 22 साल क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है कि आपकी कंपनी ने एक जो बोलते हैं ना कि ट्रांजेक्शन टाइम जो होता है असुरक्षित वाला टाइम है, कि 4-5 साल मिनिमम आपकी टाइम ने आपकी कंपनी ने एक सस्टेन कर लिया, अपनी लाइफ को बिता दिया है, ताकि आपकी कंपनी 4-5 साल 6 साल चल गई कि नहीं चल गई है ये पता चले। मजेदार बात है, सेफ शॉप पिछले 22 सालों से सफलतापूर्वक चल रही है और झंडे पे झंडे गाड़ रही है, इसलिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और मजेदार बात है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों काम करते हैं, अचीवमेंट्स के लिए काम करते हैं, अचीवमेंट्स के लिए। मैं भी हीरो था, एक्टिंग करता था, उसे छोड़कर अगर सेफ शॉप कर रहा हूं, फुल टाइम सेफ शॉप कर रहा हूं, क्या कारण है, इस कारण से क्योंकि मुझे ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, जिंदगी में ज्यादा अचीवमेंट चाहिए। मैं पहले एक्टर ग्रुप में शायद उतनी इनकम नहीं कर पा रहा था जो सेफ शॉप से मैं उम्मीद करता हूं, जो मैं कर रहा हूं, तो अचीवमेंट्स के लिए चाहिए। और मैं ये सीना ठोक कर बोलता हूं, सेफ शॉप के पास जितने अचीवर्स हैं या अचीवमेंट्स हैं, किसी और कंपनी और बाकी सारी कंपनियां मिल जाए तो भी इतने अचीवमेंट्स की बराबरी नहीं कर सकते। 1500 से ज्यादा करोड़पति, 100 से ज्यादा प्रीमियम कारें, मैं 100 थोड़ा कम लिखा हूं, ये शायद 400-500 कारें होंगी, मैं 100 तो कम लिख दिया हूं केवल ऐसा, तो 100 से ज्यादा प्रीमियम कारें, भारत की नंबर 1 कंपनी, आप ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया के गवर्नमेंट का कहना है कि भारत की नंबर 1 कंपनी, 10,000 से ज्यादा मकान, ये मैंने कम संख्या में लिखा हूं, अपनी समझ के हिसाब से ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने बाइक लिया है,
50,000 से ज्यादा लोगों ने विदेश यात्रा किया है और अन्य मोबाइल लैपटॉप इंडिया ट्रिप छोटे मोटे ड्रीम्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स केवल एक कंपनी के पास है, सेफ शॉप के पास। बाकी कंपनियां मिलकर भी इतने अचीवमेंट्स नहीं दिखा सकती, सारे मिल जाए तो भी नहीं, लेकिन सेफ शॉप इकलौती कंपनी है इतने अचीवमेंट्स अकेले दिखा देती है। और डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब क्या है, हम इस बिजनेस में आते हैं अचीवमेंट्स के लिए, कि थोड़े बड़ी जिंदगी प्राप्त कर सके, थोड़े ज्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त कर सके, और वो मिलता है सेफ शॉप से, केवल सेफ शॉप से और कहीं नहीं। तो साथियों, सेफ शॉप नंबर वन कंपनी है, मेरा 7 पॉइंट हो चुका है, और नंबर वन मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, कौन बोल रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है कि इंडिया की नंबर वन कंपनी कौन है, सेफ शॉप। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेल कहां से होता है, सेफ शॉप से, इंडिया की नंबर वन कंपनी। और केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर कटिंग्स में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक, और आज सेफ शॉप बेस्ट क्यों है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज ना एक आध कोई एसोसिएट बड़ी इनकम किया होगा ना, उसी को बार बार दिखाते रहते हैं, देखो हमारी कंपनी के बड़े बड़े चेक्स मिले हैं, एक आध बार कभी, और हमारे यहाँ हर हफ्ते ना बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं, इतने सारे चेक्स, इतने सारे इनकम होते हैं जिनको दिखा पाना संभव नहीं है। मैं गिने चुने 5-10 इनकम्स को शो कर रहा हूं इसी हफ्ते का, इसी गुरुवार शुक्रवार को जो इनकम बना है उसको मैं दिखा रहा हूं। देख सकते हैं आप, श्री राकेश जायसवाल सर जी 2,38,486 रुपए, 7,82,555 रुपए, 3,76,543 रुपए, 5,76,000, आप देख सकते हैं 7,70,000, 4,36,000, 4,00,000, 4,000, 6,09,000, आप देख सकते हैं 5,91,000, ठीक है 3,48,000, 5,83,000, 2,11,000, 20,67,000 रुपया, ये भी इसी हफ्ते का इनकम है। सोचिए, मिस्टर अविनाश कुमार सर जी हैं, महागुरु जी हैं, उनकी 20,00,000 रुपए की इस हफ्ते की इनकम है। और ऐसे में गिने चुने कुछ इनकम दिखा रहा हूं साथियों, ऐसे अगर आप दिखाने, यही दिखाने लगूं 1-2 घंटा लग जाएगा यही इनकम दिखाने के लिए, 2,77,000, 2,58,000, ऐसे बड़े बड़े चेक्स हैं यहाँ पे ढेर सारे लोग। मैं फिर से 3-4 फोटो दिखा रहा हूं, क्योंकि दिखाने लगूंगा तो महागुरु जी मुझे डांटेंगे कि लोकेश एक ही घंटे का प्रोग्राम है, ये 3-4 घंटे का नहीं, इसलिए मैं केवल सिलेक्टेड फोटोज दिखा रहा हूं। प्रकाश वर्मा सर जी का आप देख सकते हैं ऑडियो, जिसमें मैं भी उपस्थित था, राकेश जायसवाल सर जी, मैं केवल सिलेक्टेड लोगों को दिखा रहा हूं। अमित पाठक सर, अतुल पाठक सर जी, दोनों सगे भाई, दोनों ने हफ्ते 10 दिन के भीतर में, एक सर ने लिया मजलिस और एक सर ने लिया ऑडी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ढेर सारे आप देख सकते हैं, मेरे नीलम संजीव सर जी हैं, इनके पास होंडा सिटी था, फिर उसके बाद इन्होंने क्रेटा लिया, ये ढेर सारे अचीवमेंट्स हैं, ढेर सारे अचीवमेंट्स, और ये अचीवमेंट्स हमारे जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, अचीवमेंट्स के लिए, और अचीवमेंट्स अगर चाहिए तो सेफ शॉप से अच्छी कंपनी कोई नहीं है, इसको तो मैं सीना ठोक कर बोलता हूं। इसीलिए ये मेरे 9 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, क्योंकि अचीवमेंट्स इस सेफ शॉप कंपनी ने जितना दिया है वो बाकी कंपनियां मिलकर भी अगले 10 जन्म पे नहीं दे सकते, जितना सेफ शॉप कंपनी अभी दे चुकी है, और आगे तो और भी बाकी है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ढेर सारे बड़े बड़े घर से, राकेश जायसवाल सर जी का बिलासपुर में 2.5 करोड़ का घर है, अतुल पाठक सर जी के पास ऑलरेडी ढेर सारी प्रॉपर्टी है पर उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अभी ली है, ढेर सारा। 8वां पॉइंट है मेरा, सपोर्ट सिस्टम, बेस्ट मजबूत सपोर्ट सिस्टम। आपने ढेर सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि आपका, जैसे बिजनेस स्कूल बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे इनकम प्लान ले आएंगे, पर अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम तगड़ा नहीं है तो आपकी कंपनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन मजेदार बात है, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इनकम प्लान भी बहुत अच्छा है, और यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बताने की जरूरत ही नहीं कितना अच्छा है। आप सब देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, हमारे महागुरु जी लोग इतना बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। चलने के लिए जैसे पैरों की आवश्यकता होती है, बिना पैर के नहीं चल सकते भाई, सुविधाजनक तरीके से, बिना पैरों के हम नहीं चल सकते, बिना सांसों के हम जी भी नहीं सकते, जीवन के लिए सांसों की जरूरत है। तो एक गाना है ना, सांसों की जरूरत है जैसे, वैसे सिस्टम की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए। बिना सिस्टम के, बिना सपोर्ट सिस्टम के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी टैलेंटेड आदमी क्यों ना हो, अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। सपोर्ट सिस्टम है वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। जैसे सिस्टम का होता है SYSTEM, सेव योर सेल्फ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। तो हमारी ये टाइम और एनर्जी और मनी को बचाता है सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, सिस्टम का क्या महत्व है, दो ट्रेन, दोनों ट्रेन रायपुर से दिल्ली जा रही हैं, एक ट्रेन में जैसे ही हम घुसते हैं, एक ट्रेन में जैसे ही घुसते हैं, एक
टेल होस्टेस आती है, वो हमें चाय कॉफी पिलाती है, लेमन जूस वगैरह जो भी पिलाती है, ठीक है, और बढ़िया सीट पे बैठते हैं, खुशबूदार एसी की हवा चल रही है, खुशबू भीनी भीनी खुशबू है, और सामने में सीट पे छोटा सा टीवी भी लगा है, और बढ़िया देखने मजा आ रहा है। रायपुर से दिल्ली जाने का किराया केवल 1,000 उस ट्रेन में। अब दूसरा ट्रेन है, दूसरा ट्रेन जिसमें हम घुसते हैं और जैसा इंडियन रेलवे का होता है, एसी चल भी रहा होगा लेकिन हल्की हल्की, उतनी अच्छी स्मेल नहीं होगी, कोई ट्रेन होस्टेस नहीं होगी, कोई चाय कॉफी नहीं होगा, वो बाहर से आएगा बेचने वाला, उससे जो भी लेना है ले लीजिए, ना कोई टीवी ना कुछ नहीं, कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं, लेकिन इसका भी किराया है 1,000। हम खुद अगर सोचें कि दोनों में से किसमें जाना पसंद करेंगे, तो अधिकतर लोगों का कहना होगा जिसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जिसमें ट्रेन होस्टेस आती है, जिसमें चाय कॉफी मिल रही है, जिसमें टीवी है। लेकिन मजेदार बात एक छोटा सा बताना चाहूंगा, जो ट्रेन की हम अच्छी बातें कर रहे हैं उसमें अगर इंजन ना हो तब, और जो ट्रेन जिसमें उतनी सुविधाएं नहीं है उसमें तगड़ा इंजन है जो बहुत तेजी से दिल्ली पहुंचाएगा, तब हम किसमें जाना चाहेंगे, जिसमें तगड़ा इंजन है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, फाइनली दिल्ली जाना है, तो तगड़ा इंजन होगा तभी तो हमें पहुंचा पाएगा। और ये इंजन होता है सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, कंपनी कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम कमजोर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज गर्व के साथ बोलता हूं, सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप के सपोर्ट सिस्टम जितना तगड़ा सिस्टम है वर्ल्ड में, मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में इससे अच्छा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं है। और सब सिस्टम का क्या महत्व है, एक ट्रक है, ट्रक का अगर टायर पंचर हो जाए क्या हाथों से उठाया जा सकता, नहीं, लेकिन एक छोटा सा जैक, इतना बड़ा सा जैक होता है, उसको अगर नीचे लगाकर घुमाया जाए वो उतने हैवी ट्रक को भी 1 मिनट में ऊपर उठा देता है, ये होता है जैक, और जैक मतलब सिस्टम जो हमें मदद करता है, ठीक है। और मजेदार बात है, अब इस सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम का क्या महत्व है, एक बहुत तेज गति से धावक, बहुत एनर्जी से भरा हुआ धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला, एक ट्रेन में बैठा है और एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा है जो मतलब शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, उसके पैरों में वो मजबूती नहीं है, या शायद विकलांग है, शायद ऐसा व्यक्ति भी बैठा है। अब दोनों दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए हैं, आप खुद बताइए दोनों कब पहुंचेंगे, क्या जो धावक है वो क्या जल्दी पहुंचेगा, और जिसके पैर नहीं है क्या वो धीरे से पहुंचेगा, नहीं, वो दोनों अगर ट्रेन में बैठे हैं और बैठे रहे तो 100% दोनों एक साथ पहुंचने वाले हैं कहां, दिल्ली। और यही सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम, एक ज्यादा टैलेंटेड है और एक कम टैलेंटेड है, लेकिन अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर जुड़ा है वो 100% अपनी कामयाबी को पहुंचेगा। और गर्व से बोलता हूं, सेफ शॉप के पास जैसा सपोर्ट सिस्टम है वैसा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं है। तो थैंक यू सो मच हमारे सीनियर्स जिन्होंने हमें इतना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। 9वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, ग्रेट सीनियर विजनरी सीनियर्स हैं जो हमारे लगातार विजन को, खुद अपने विजन को बढ़ाते रहते हैं, अपने बड़े बड़े अचीवमेंट्स को पूरा करते हैं और हमारे भी विजन को बढ़ाते चलते हैं। एथिक्स बार बार कहा जाता है, एथिकल कंपनी होनी चाहिए, एथिकल सीनियर होने चाहिए। थोड़े थोड़े लालच में लोग भटक जाते हैं, बंदर की तरह यहां से वहां कूदना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे गर्व से बोलता हूं हमारे सीनियर एथिकल सीनियर हैं, कमिटेड, कमिटमेंट होना चाहिए हर चीज के प्रति, बिजनेस के प्रति, सीनियर के प्रति, जूनियर के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, हमारे जितने भी सीनियर है कमिटेड है। इंटीग्रिटी, अखंडता, कोई भी आकर थोड़े सा लालच दे दे और हम टूट जाएं ऐसा नहीं, हमारे जितने भी सीनियर हैं इंटीग्रेटेड हैं, इंटीग्रिटी से भरपूर हैं। मेहनती, मैं जितने भी सीनियर्स को देखता हूं मेहनती, आज हमारे महागुरु जी नरसिंह रेवाल सर जी को क्या जरूरत है सुबह से उठकर, हम जैसे साधारण लोगों के लिए जिनकी इतनी बड़ी टीम है, सुबह सुबह उठकर अपनी नींद खराब करके हमारे लिए ट्रेनिंग सेशन करने के लिए, पर मेहनती है, केयरिंग है, हमारी हर छोटी से छोटी बात में केयर करते हैं। मेरे सीनियर नीलम संजीव सर, अतुल पाठक सर जी मेरी लगातार केयर करते रहते हैं। परसों ही अभी मैंने अपने सीनियर विनस लीडर सर का समय मिला, मेरे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स की बातें हुई, तो केयर करते हैं, हमारी जिंदगी की चिंता करते हैं, और इसीलिए आज हमारे सीनियर हमें सबसे ज्यादा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, सेफ शॉप के जो सीनियर्स हैं, जो क्योंकि हमें यहाँ कल्चर दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, कहां से डायरेक्टर्स के माध्यम से हमारे बड़े बड़े सीनियर्स होते हुए हमारे तक और हमारे से नीचे टीम के जूनियर्स तक एक संस्कार जाता है जो हमें बेहतरीन बनाता है, ये सेफ शॉप ही है जो इतने बढ़िया संस्कार हमें देता है, इतना विजनरी सीनियर हमें बनाने को मदद करता है, और हमारे जितने भी सीनियर हैं इतने विजनरी हैं। तो थैंक यू, जैसे संजय जैन सर जी महागुरु जी हैं, उनका भी समय हमें मिलता है, इतनी बड़ी टीम है, उनको हम जैसे छोटे लोगों के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी निकालते हैं, केयर करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, विजनरी हमारे सीनियर्स हैं। मेरे सीनियर्स नीलम संजीव सर हर बार मुझे रास्ता दिखाते हैं, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, लोकेश जी इधर जाना है, इधर से डायमंड का रास्ता है, ये रास्ता दिखाते रहते हैं हमारे सीनियर्स। फिर से राकेश जायसवाल सर जी, प्रकाश वर्मा सर जी, अमित पाठक सर जी, अतुल पाठक सर जी, नीलम सर जी, बीसी पाठक सर जी, मेरे सीनियर्स जो लगातार मुझे
आगे बढ़ाने मदद करते रहते हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी संजय जैन सर जी को और महागुरु जी हमारे नरसिंह रिवाल सर जी को। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर सर जी को जो आज हमारे लिए इतना बढ़िया सेफ शॉप कंपनी लेकर आए हैं, जो इंडिया की नहीं धीरे से वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनने वाले साथियों। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, इतने ध्यान से सुना। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है सेफ शॉप नंबर वन कंपनी है। आज मैं 100% दिल से बोल पा रहा हूं और आज मेरी बातों से आप सब भी सहमत होंगे कि इंडिया में सेफ शॉप से अच्छी कंपनी कोई नहीं है। एक नंबर से लेकर 10 नंबर तक अगर कोई कंपनी है तो केवल सेफ शॉप, और बाकी कंपनियां अपने 11वें नंबर से गिनती शुरू कर सकते हो, आपस में लड़ सकते हो कि 11 नंबर पे मैं हूं, 12 नंबर पे मैं हूं, बिल्कुल। लेकिन 1 से लेकर 10 तक अगर कोई है तो केवल सेफ शॉप। सेफ शॉप सबसे टॉप, सेफ शॉप सबसे टॉप।